मैं और अनिल साहब यहाँ आए हुए थे, तो हमारा उत्तरदायित्व बना कि हम पता लगा कि ऋषभ की हॉस्पिटल में है। एज कॉमन नागरिक मैं और अनिल साहब उनको देखने आए, उनकी माता जी से मिले। ही इज़ मच बेटर, हिज स्पिरिट्स आर वेरी हाई, और सबकी दुआएं, पूरे हिंदुस्तान की दुआएं उनके साथ हैं, तो जल्दी ठीक हों। बिल्कुल बस जोश में हैं, और हमें लगता है कि कम्प्लीटली जो जो हमें फिक्र थी वो बिल्कुल नहीं है। तो ही शुड बी फाइन, आई थिंक। सर्जरी वगैरह भी कुछ हुई है कि ये सब तो मेडिकल बुलेटिन वाले आपको बताएंगे, हम तो सिर्फ मैंने बताया गया है। बट ही इज फाइन, ही इज इन गुड स्पिरिट्स, फाइटर हैं। मम्मी से बात हुई, मेरे घर से रिश्तेदार भी थे, रिश्तेदार भी करने भी थे, अच्छे हैं सब, अच्छे हैं। हमने हंसाया थोड़ा सा उनको, बहुत हंसाया। सर आपसे मिलकर उनको कैसा लग रहा था? मतलब आप लोग सुपरस्टार्स हैं तो ऑब्वियसली खून तो भर जाता है, लेकिन हम तो मेडिकली एज फैंस गए। अनुपम जी फैन है बहुत, हमने कहा जी जाना चाहिए। हम ऐसे ब्राइटेस्ट नीचे लॉबी में बैठे रहे 15 मिनट हमने, तो फिर किसी डॉक्टर ने हमको पहचाना, मतलब हमने मास्क वास्क लगाए थे, तो फिर हम उनको गए। और मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर जाना जरूरी होता है, ढाढ़स बनाने प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए, हमने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल का हिसाब रखते हुए वी जस्ट मेट एंड वी आर हैप्पी एंड वी विश हिम हैप्पी। वी जो भी देख रहे हैं ये, मैं चाहूँगा कि आप सब के समय से जो है मैक्स हॉस्पिटल यहाँ से जो प्राथमिक इलाज के बाद श्री ऋषभ जी पहुंच गए थे वहां मैक्स हॉस्पिटल, और जो भी प्राथमिक जानकारी आई उसमें पता चला है कि जो उनकी जांच हुई है उसमें कोई गंभीर चोटें नहीं आई है, फिर भी डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में है। साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि कुछ मीडिया पोर्टल्स पर या चैनल्स पर जो है ऐसी बात भ्रमित प्रकाशित प्रसारित की जा रही है जिसमें बताया गया कि उनके पैसे या चेन या युवकों ने कुछ लूट लिए हैं, जबकि यह कथन एकदम गलत है। चूंकि मौके पर जो रोडवेज के कर्मचारी द्वारा तत्काल फोन किया गया था, फोन के तत्काल कुछ ही मिनटों में ही चूंकि हमारी चेकपोस्ट है पुलिस भी पहुंच गई थी, कार में चूंकि आग लग गई थी और बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। जो उनके द्वारा पहने गए थे, खासकर एक उनके प्लेटिनम या चेन थी एक, और एक ब्रेसलेट था गोल्ड का, इसके अलावा 4,000 रूपये जो उनके पास उनके कपड़े में थे वो तत्काल ही वहां पर पूरा एक नियमानुसार उनकी मदर को ही सौंप दिया गया था, जिसकी पुष्टि भी मेरे द्वारा उनके परिजन से बात करके कर ली गई है। साथ ही साथ गाड़ी में से जो एक बैग मिला था जिसमें से कुछ कपड़े थे वो भी उनके परिजन को हमने दे दिए थे। बाकी मौके पर इतने सीसीटीवी वहां आसपास जो लगे थे उसकी हमने, चूंकि घटना को हम निरीक्षण करने के लिए और घटना को समझने के लिए भी, साथ ही साथ मौके पर सीसीटीवी फुटेज भी वहां मिली हमें, इस तरह का कहीं भी कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि कोई युवक कोई ऐसी चीज या अन्य लोग कोई ऐसी हरकत कर रहे हो, तो यह कथन एकदम गलत है। मैं उनके परिजन के संपर्क में हूं और साथ ही साथ अभी मेरी वार्ता भी हुई है, तो इससे स्पष्ट है कि यह जो खबरें जो प्रसारित की जा रही है इसको लेकर यह एकदम निराधार है।